सीधा यहीं पे नहलाएगा क्या? सीधा पार्वती में, पार्वती माता की जय। तो सामान उठा लिया और अब होटल की तरफ चल के जाना पड़ेगा। बेसिकली आपको जब आप कसौल आते हैं, आप तो कसौल के अंदर ही होटल ले रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आपने शलाल के अंदर लिया है होटल, तो आपको वहाँ पे वॉकिंग जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर चल के जाना है। रफली आधा घंटा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा जाने में। भाई पहाड़ी कुत्ते हैं, इनसे अलग ही प्यार है। वे टू शलाल एंड रसोल। तो अभी हम इसी रास्ते पे निकल गए हैं। एटलीस्ट 45 मिनट्स का रास्ता है जो पैदल चल के जाना है, और ऐसा कच्चा रास्ता है। थोड़ी अगर वीडियो हिल रही होगी तो मैं थोड़ा चल के जा रहा हूँ, और ये कहीं पे ढलान है और कहीं पे ऊंचाई है, तो हाथ थोड़ा सा शेक हो रहा है। या पहले आप ये वाला व्यू देखो। पानी का प्रेशर बहुत ही तेज है। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा फोटो वगैरह करवाने के लिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, द नोमैडिक फीस्ट, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी चांद भी दिख रहा है, सूरज भी निकला हुआ है। अभी मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिर से बताता हूँ। तो थोड़ा फोटो शूट करने के लिए रुक गए थे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आती है। राइट, सबसे पहले तो आपको COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, जो आप टेस्ट कराएंगे। प्राइवेट भी करा सकते हैं, गवर्नमेंट भी करा सकते हैं, राइट। एंड आई थिंक गवर्नमेंट के अंदर कोई फीस नहीं लगेगी, प्राइवेट के अंदर जो फीस होती है उनकी वो लगेगी। उसके अलावा जो टेस्ट का रिजल्ट है, आपको जो कराना है वो थ्रोट वाला कराना है, नोज़ वाला नहीं कराना, नोज़ल वाला आपको थ्रोट वाला करवाना है। तो उसकी रिपोर्ट आने में एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं। जो नोज़ वाली होती है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए ई पास। ई पास भाई प्लीज़ घर से करके आना, क्योंकि यहाँ पे आके ई पास आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, राइट। उसका रीज़न ये है कि पहले कई लोग बोलते हैं कि ई पास वहीं पे अप्लाई हो जाता है, बट ई पास नहीं होता। भाई ये डायनासोर कहाँ से आ गया? डायनासोर देखो भाई, ये क्या ही चीज़ बना दी, डायनासोर का मूवी लग रहा है भाई। ये जुरैसिक वर्ल्ड जा रहे हैं क्या हम? राइट, तो मैं बता रहा था ई पास प्लीज़ घर से करके आइए, क्योंकि ना यहाँ पे ई पास जो अप्लाई कर रहे हैं, राइट, वो यहाँ पे करते नहीं है, वो आपसे करवाते हैं। आपको कहते हैं कि आप उसके बगैर ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको वो आपको करना ही है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि वो आने से पहले घर से करके ही आना, राइट। जो आपको एक यूनिक आईडी मिलती है जब आपका कोविड का टेस्ट होता है, तो आपको एक आईडी अलॉट होती है, वो आईडी को आप यूज़ करके कर सकते हैं। और उसके साथ आपको अपने होटल की कंफर्म बुकिंग लगानी पड़ती है उसके साथ साथ। उसके अंदर आपका होटल की बुकिंग आ गई, आपका ई पास आ गया, फिर उसके बाद आपका कोविड का रिजल्ट आ गया। उसके अलावा आपको बेसिकली कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको मेन, अगर आपको इधर हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में से कहीं पे ट्रेवल करना है। व्यू देखो कितना शानदार है, मतलब हम दिल्ली वाले तरसते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे रहते हैं वो वहाँ आने के लिए तरसते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ आने के लिए तरसते हैं। जो दिल्ली वाले हैं खासकर, वो तो कहते हैं कि बस हिमाचल पहुँचा दो बस किसी तरह। हर हॉलीडे में हम हिमाचल ही जाना चाहते हैं, हिमाचल से प्यार ही इतने। अब मैं आपको दिखाऊँ कितना प्रेशर है पानी का, देखो अपने पीक पे ही है इस टाइम। आई थिंक पीछे से बहुत ही तगड़ा प्रेशर आ रहा है। जब होटल पहुँच जाऊँगा तब दिखाता हूँ आपको कहाँ पे कैसा होटल लिया है। ज़्यादा महंगा होटल नहीं लिया,
ठीक है, एक नॉर्मल सा होटल लिया, हमको ज़्यादा घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, ठीक है, होटल भी अच्छा होना चाहिए, बट ठीक है, अब हमें अलग अलग जगह ट्रैवल करना है, हर टाइम एक्सपेंसिव होटल तो ले नहीं पाएंगे भाई। रास्ता गजब ही है, अभी तक होटल नहीं पहुँचे, जा रहे हैं होटल की तरफ। हाँ भाई, कैसा था एक्सपीरियंस? एक नंबर। ये व्यू है हमारे होटल का, चेक इन हो चुका है, आधे घंटे का रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, बट ये अब मेरे रूम से बाहर व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार, मज़ा आ गया, पैसा वसूल है, ज़्यादा महंगा नहीं लिया था मैंने, बट बहुत अच्छा है। अगर किसी को पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दूँगा। ये व्यू है, पूरी हट बनी हुई है, ये इनका कैफ़े है, ठीक है, ये इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है, ये सारा वुडन काम किया हुआ है, ये रूम है, और यहाँ पे भी ऐसे सिटिंग बना रखी है इन्होंने, ये चेयर वेयर दे रखी है, ये ऐसे रूम है, मैं रूम दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये हमारा रूम है, अंदर जा रहा हूँ मैं, व्यू तो दिखा दो, ठीक है, दोनों साइड व्यू है, ये वॉशरूम, ठीक है, ये सेकंड रूम है, खुला डुल्ला रूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे भी लड़के लड़के हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारे उस साइड भी व्यू है और इस साइड भी है, ये अगेन सारा वुडन का काम हुआ हुआ है, ठीक है, अब यहाँ का व्यू भी चेक कर लो। बादल इतने साफ हैं, इतने साफ हैं ना, ऐसे देखने को मिलते ही नहीं है दिल्ली साइड। तो लो जी, हम शलाल से निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं वही वाले रास्ते से कसौल। कसौल में हमारी कार पार्क है और बेसिकली देर आर टू वेज जिससे हम जा सकते हैं। एक कार पार्क है, वहां से हम अपनी कार कलेक्ट करके मणिकरण साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे हैं। हम वहाँ पर पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं, बट यू नो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है और इतनी आदत भी नहीं रही अभी, तो हम वहाँ से कार पिक करेंगे और जो नियरेस्ट जहाँ पे ड्रॉप सेक्शन होगा मैं आपको बता दूँगा, वहाँ पे अपनी कार ड्रॉप करके हम वहाँ से आगे पैदल चल के जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारे, और फिर उसके बाद रात का प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। पहले चलते हैं मणिकरण गुरुद्वारे और आपके साथ उनकी वीडियो शेयर करता हूँ। तो ऑलमोस्ट एक घंटे की वॉक के बाद हम कार के पास पहुँच गए हैं, चलो अब मणिकरण में मिलते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी शॉप्स खुली भी दिख गई हैं, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, राम मंदिर है यहाँ पे, प्रणाम, मत्था टेक लो भाई बाहर से, जय श्री राम। और भाई व्यू तो आतंकी है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, और वैसे ना आजकल यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ रही, नॉर्मल दिनों के अंदर मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ठंड पड़ती है, मगर अभी तक इस बार मैंने देखा ठंड नहीं पड़ रही, ग्लोबल वार्मिंग कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत ही बुरा हाल है। भगवती नैना माता का मंदिर है, और मेरे ख्याल से ये हॉट स्प्रिंग निकलती है ना यहाँ पे, तो ये कहीं से कुछ निकल रहा है, धुआं से तो निकल रहा है, देखते हैं, ये भी एक रहस्य है। हाँ भाई, दोस्त लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं।
भाई पतंजलि वालों ने इधर भी स्टोर खोला हुआ है। चलो भाई बढ़िया। तो छोटी सी गली है, गलियों में से निकलते हुए जाना है। हो जय हो, जय हो, जय हो भोले बाबा का माथा टेक लो भाई। भोले बाबा, जय हो मेरे भोले बाबा। और हम सीढ़ियाँ उतरते हुए ढंग 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 ढंग। हेलो, ये ऑलवेज ऑन फोन, दिस गाइस ऑलवेज ऑन फोन। यहाँ पार्क पे 4 मंजिला पार्किंग बन चुकी है, राइट, हिमाचल की सबसे बड़ी पार्किंग बता रहे हैं यहाँ पे। कोरोना हटते ही ऑपरेशनल है। उसके अलावा यहाँ पे रहने का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया गया। यहाँ पे बताया जैसे कि 400 कमरे हैं इनके पास और 400 के 400 ऑपरेशनल हैं, 400 के 400 24 घंटे ऑपरेशनल हैं, कोई पैसे नहीं है इसके। ओके, ये नहाने के लिए गर्म पानी का सरोवर भी है यहाँ पे, अगर किसी को यहाँ पे आके नहाना है। यहाँ पे कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी है, सब ठीक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे रहने वाले लोग कह रहे हैं, सब ठीक हो जाता है। ये यहाँ का लंगर हॉल है, बहुत अच्छा। यहाँ पे 24 घंटे लंगर की यहाँ पे व्यवस्था है। आपको कभी भी आए, किसी भी टाइम आए, आपको लंगर यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ से ये वो जगह है, ये वो मंदिर है, शिव मंदिर, जो ये प्राचीन शिव मंदिर। ये यहाँ का जो गरम सरोवर, यहाँ पे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, नीचे पैर भी नहीं रखा जा रहा, ये इतना ज़्यादा गर्म है। और ये ऊपर भोले बाबा की फ़ोटो बनी हुई है, मैं कह रहा हूँ इससे पैर भी नहीं रखा जा रहा यहाँ पे, ये इतना गर्म है। 94 कह रहे थे, 94 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है। ये ऊपर भाई मंदिर जाने का रास्ता है, ये वो मंदिर है भोले बाबा का। सारे दर्शन कर लीजिए, ये वो भोले बाबा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। मैं इसके एक परिक्रमा भी करा के दिखा देता हूँ आप सबको। ये सरोवर, गरम भाप निकलती हुई, ये देखिए गरम भाप निकल रही है यहाँ से पूरी। और ये इतना गर्म है, हम मैं नीचे पैर भी रख रहा हूँ ना, तो मेरे को पता चल रहा है कि नीचे बहुत कुछ ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे ये देखिए नदी का बहाव, अभी ये सब कुछ बंद हुआ हुआ है फ़िलहाल के लिए, मगर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो अभी आपने दर्शन किए, ये है नंदी। और यहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग जहाँ पे होती थी। अच्छा, 3 साल पहले कह रहे हैं यहाँ पे एक पत्थर गिरा था जिससे 9 लोग मर गए थे, शायद वो पत्थर यहीं पे ही है। ये काला पत्थर है जो ये नीचे, 9 लोग मर गए थे, ये उनके यहीं पे गिरा था। 8 लेंटर टूट गए थे, ऊपरों गिरा से ऊपर, ये 2 किलोमीटर ऊपर से कहीं से आया था ये पत्थर,
और यहाँ पे गिरा था ये पुरानी वाली बिल्डिंग पे, और 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसके अंदर। इस नदी में पहले कोई पुल नहीं था, जब पांडवों ने वनवास काटा था ना पहाड़ों में हिमाचल में, तब अच्छा। ये भीम ने पत्थर डाल के दरिया के ऊपर पहले पुल बनाया था। ये पहले पत्थर चूहे थे पानी के बहाव में, तो ये पहला पुल नहीं था। पार्वती वाला जो पुल बना हुआ है ये पार्वती के ऊपर सबसे पहला पुल है, जब यहाँ पे पांडव आए थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। इसको भीम पत्थर बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये पवित्र पत्थर है, यहाँ पे कहते हैं होली दिवाली जो भी त्यौहार होते हैं पहले यहाँ पे पूजा होती है और फिर जाके अपने अपने घरों पे पूजा होती है। भाई बहुत बुरा हाल है कसौल का इस टाइम, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है, सारी दुकानें बंद हैं, कुछ नहीं खुला हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं खुला हुआ। जो ये पहाड़ी लोग थे इनको भी बहुत दिक्कत हो गई है, छोटे छोटे आउटलेट्स खुले हुए हैं बस, मतलब टूरिज्म एकदम यहाँ पे जीरो ही हुआ है। तो आंटी तो कह रही थी पीछे कि रोटी खाने भी मुश्किल हो गया, क्यों सौरभ? इतनी दुकानें पहले खुली होती थी, बंदे घूम रहे 11-12 बजे तक, अब तो 8 बज रहे हैं, सारा खाली पड़ा हुआ है, सारा सुनसान ही है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है। कोई फायदा नहीं है अगले 1-2 महीने तक, कम से कम 1-2 महीने, जब तक कोविड का वो नहीं होता, जब तक ई पास वगैरह का ये सिस्टम हट जाएगा और कोविड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उसके बाद ही शायद थोड़े ट्रैवलर्स बढ़ेंगे। अभी तो कोई मेरे को नहीं लग रहा स्कोप आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है यार, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। हाँ बस यही है कि अगर पीस के अंदर बैठना चाहते हो और थोड़ा सा आके टाइम पास करना चाहते हो तो आप आके बैठ सकते हो, अपना नीचे बैठो, रिवर साइड बैठो, इंजॉय करो। ये अंदर अंदर की थोड़ी सी शॉप्स खुली हुई हैं। भैया क्या हाल है यहाँ पे? टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो गया, कैसा? कोई आ रहा है, कोई नहीं, कोविड टेस्ट करके। नहीं, कोविड टेस्ट करा के ही आए हम भी, मगर काम धंधा बिल्कुल डाउन। काम धंधा कहाँ है, टूरिस्ट आए नहीं, गिने चुने लोग आ रहे हैं, गिने चुने, और क्लब व्लब भी सब बंद है, सब कुछ बंद है, नाइट लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। धीरे धीरे जैसे ऐसे ठीक होगा तो रहे ना सही से। हाँ जी, धीरे धीरे तो खुल तो रहे ना, अब खुलना शुरू हो गया। हाँ। कोई आगे के तो यहाँ के तो मेरे को सारे बंद ही लग रहे ना, स्नूकर वगैरह कुछ नहीं खुला हुआ। अगस्त मतलब 4 सितंबर से खुलेगा ना सही से? 4 सितंबर तो अब तो 7 हो गया, 4 सितंबर से खुलने का बात हो रहा था, तो टूरिस्ट अब थोड़ा आना शुरू होना शुरू हो गया ना, मगर सरकार ने बंद कर दिया है, जैसे खुली छूट 2-3 महीने में, नहीं नहीं अगले महीने बोल रहा है 1 तारीख से खुल जाएगा पूरा, ऐसा बोलने को बोल तो रहा है ना। अभी कसौल तो सेफ है, कसौल में नहीं आया, मैं तो एक भी केस नहीं है, मैं नहीं कर रहा कसौल जरिए यहाँ कोई केस नहीं है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम फाइनली घर आ चुके हैं, घर आने के बाद में आप ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। होपफुली आपने अच्छे दर्शन करे होंगे मणिकरण गुरुद्वारे के, मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश करी है एक एक चीज़ अच्छी तरह से दिखाऊं। उसके अलावा मेरे को आपको ये बताना है कि इस टाइम हिमाचल के अंदर जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी परेशान हैं, बट वहाँ तो सारा टूरिज़्म सेक्टर ही है, तो टूरिज़्म सेक्टर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वहाँ पर अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम उनके घर चलाने में बहुत दिक्कत है। रात को वहाँ पर सारे क्लब्स बंद थे, राइट, जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाया भी है, सारे क्लब्स बंद थे, सब कुछ ऑलमोस्ट, रेस्टोरेंट्स भी 9 बजे तक बंद हो चुके थे। उसके बाद हम अपने होटल गए, वहाँ जाने के बाद ही थोड़ा बहुत इन्जॉय करा, बाहर बालकनी में बैठे और बालकनी में बैठ के ही इन्जॉय किया। तो जो पार्किंग है मणिकरण साहब की वो अभी आगे जाके बस स्टॉप पे हो रही है, जो रास्ता आगे मणिकरण से जाता है और वहाँ से जो बस स्टॉप को रास्ता जाता है वहीं पे पार्किंग हो रही है। जो अभी मेन पार्किंग है मणिकरण साहब की वो अभी कोरोना के करके अभी नहीं खोला हुआ, उसको जैसे ही कोरोना का पीरियड ख़त्म हो जाएगा ये वो वाली पार्किंग भी खोल देंगे, बहुत बड़ी पार्किंग है और वहीं से फिर एंट्री भी हो जाएगी। अभी आपको आगे बस स्टॉप पर अपनी कार पार्क करके जो वहाँ पर फ्लाईओवर बना हुआ है, जो ब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस करके बड़े वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1st of October मे बी विल बी द डेट जिसके अंदर और ज़्यादा टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, और आ जाएंगे तो उनको भी बेनिफिट है और बहुत बढ़िया हो जाएगा। गए जैसे हम इस बार गए और वहाँ पे जाके इतना इन्जॉय नहीं कर पाए, बट स्टिल अगर सिर्फ पीस के लिए वहाँ जाना है कि पहाड़ों पे जाना है और वहाँ पे इन्जॉय करना है, प्लीज़ जाइए और इन्जॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पूरे रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में ई पास आप प्लीज़ घर से करके जाइए, बिकॉज़ वहाँ जाके आपको वहाँ पे बैठ के करना पड़ेगा, वो कोई स्पेसिफिक बैठ के आपको करवाते नहीं है, आपको अपने आप बोलते हैं कि आप अपने आप करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। इन सब के अलावा अपना कोविड का टेस्ट प्लीज़ करवा के जाइएगा,
का थ्रोट वाला कराना है, नोज़ वाला नहीं कराना है, और थ्रोट वाले की रिपोर्ट आने में एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं। और वापस गर्मी में आके बहुत बुरा सा लग रहा है, वहाँ पे भी कोई इतनी ठंड नहीं थी बट मौसम बहुत अच्छा था। और सबसे बढ़िया बात, व्यू बहुत तगड़ा होता है, व्यू के लिए ही तो वहाँ जाते हैं, जाओ वहाँ पर इंजॉय करो। आई होप आपके दर्शन अच्छे हुए होंगे, अगर आपके मणिकरण साहब के दर्शन अच्छे हुए हैं और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा लगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ 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 मेरे को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे को फीडबैक्स में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं उसमें और बेटर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय बाय।